हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों सबका। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पर काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हम लोग बना सकते हैं। स्टॉक बिलोंग करता है दोस्तों फार्मा इंडस्ट्री से। काफ़ी वेल नोन स्टॉक है, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। हाई वैल्यू स्टॉक है, लगभग 4,500-5,000 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको लगभग 1,500 से 2,000 रुपए तक का रिटर्न बहुत ही आराम से कमा के दे सकता है। पर स्टॉक की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। कौन सा है वो स्टॉक, क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतना पैसा ये स्टॉक कमा के दे सकता है। मिड टर्म का होल्डिंग है दोस्तों, एक मीडियम टर्म के लिए आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। रिटर्न लगभग गारंटिड है, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है या फिर जिस तरह से इसके बारे में बातें की जा रही, जो अपकमिंग न्यूज़ है वो काफ़ी सारी पॉजिटिव है। और जिस तरह से करेक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में, और जिस तरह ये शेयर जो है, ये स्टॉक जो है, वो अभी थोड़ा स्टेबल हो रहा है, तो उस हिसाब से ये बात कंफर्म की जा सकती है कि आने वाले समय में ये पुल बैक जो है वो यहाँ से दिखा सकता है। लेकिन स्टॉक के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, या दोस्तों आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, सही चैनल पता नहीं है, तो इन्फोबियर बिल्कुल सही चैनल है दोस्तों। सब्सक्राइब पहले कर दीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, चार्ट एनालिसिस, वीडियो अपडेट्स, काफी सारी चीजें हैं जो वीडियो पे नहीं हो सकती। तो टेलीग्राम चैनल से भी बिल्कुल जुड़िएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। अब बात करते हैं हमारे फार्मा स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, काफी दिन हो चुके हैं कोई कोविड के बारे में बात नहीं कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे मामले फिर से, जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं बट वर्ल्ड वाइड केसेस बढ़ रहे हैं। दिन बाय दिन हम लोग देख रहे हैं कि नए नए न्यूज़ भी आ रहे हैं और केसेस भी बढ़ रहे हैं। और अभी जो भी केसेस है उस पर भी कोई प्रॉपर मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन हम लोगों ने ढूंढ ली है, प्रोसेस में है, किसी ने पोस्टपोन कर दिया है, कोई अभी तक स्टैंड नहीं ले पा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डीज, और इनका स्पुटनिक 5 जो वैक्सीन है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो क्लिनिकल टेस्ट हो रहे हैं उसके ऊपर रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। मैं आर्टिकल दिखाना चाहता हूं दोस्तों, देखिएगा। एक्सपर्ट पैनल जो है वो एक रिव्यू कर रहा है इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ के लिए, और ये अथोराइज करने की यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ जो आर्टिकल है ये 24 फरवरी का बोला जा रहा है। स्पुटनिक 5 देखिएगा, 26 कंट्रीज में ऑलरेडी इसको ऑथोराइजेशन मिल चुका है, और लगभग 2 मिलियन लोगों के ऊपर ये कर भी दिया है और ये एडमिनिस्ट्रेशन हो भी रहा है। इंडियन सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के अंडर जो है वो डॉक्टर रेड्डीज की इमरजेंसी वैक्सीन जो है वो स्पुटनिक 5 वो पूरी तरह से अंडर रिव्यू है, और ये खास करके इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी डेटा, ये दोनों चीज़ के ऊपर जो है वो एनालिसिस हो रहा है कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। फरवरी 19 को इन्होंने अप्रोच किया था DCGI को फॉर इमरजेंसी ऑथोराइजेशन, दैट इज EUA के हिसाब से रशियन वैक्सीन ये है। और अगर ये वैक्सीन को देखेंगे तो 3 क्लिनिकल ट्रायल होने वाले हैं इसके इंडिया में DGCI के रिव्यू के अंडर। और जिस तरह से ये अभी तक जो ट्रायल हुए हैं इसके, इसमें से 91.6% इफेक्टिव ये डेटा जो है वो दिखाई दे रहा है, और लगभग 19,866 लोग वॉलेंटियर जो है रशिया के, इन्होंने इनके ऊपर ये ट्रायल किया गया, और 91% काफ़ी बढ़िया नंबर है दोस्तों। और दूसरी न्यूज़ देखिएगा, इनका ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है, नए प्रोडक्ट जो है वो पाइपलाइन में है। आने वाले समय में US मार्केट से, अगर यहाँ से इंडिया से अप्रूवल मिल जाता है, तो US मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है ये लोग कैप्चर कर सकते हैं। डबल डिजिट का ग्रोथ आने वाले 2 सालों में यहाँ से एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ में इनका इम्प्रूवमेंट जो है IPM में वो भी एक अच्छी तरह से दिखा जा रहा है। साथ ही साथ में एक्यूट थेरेपी में भी इनका ग्रोथ दिखने की उम्मीद है। स्पुटनिक 5 वैक्सीन अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है
तो यहाँ पे साइजेबल ग्रोथ पोटेंशियल के साथ में आने वाले समय में अर्निंग्स में काफी ज्यादा अपग्रेड यहाँ पर दिखाई दे सकता है। डॉक्टर रेडिस अभी स्टॉक काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग एनएससी की बात करते हैं फ्राइडे की, तो आप देखिएगा 8.5 लाख के आसपास स्टॉक ट्रेड हुए थे, जिसमें से 3.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठाई जा चुकी है। 42% की डिलीवरी है दोस्तों। स्टॉक की वैल्यू 4,500 के आसपास है, हाई वैल्यूड स्टॉक है। और डिलीवरी देखिएगा 42%, वैसे भी हाई वैल्यूड स्टॉक में ट्रेड करने वाले कम है, उसमें से भी अगर 42% की डिलीवरी उठाई जा चुकी है तो एक अंदाजा लगाइएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। अगर आप ज्यादा नहीं समझ सकते हो, ये दो नंबर्स है ये आपको बताते हैं कहीं ना कुछ स्टॉक में चल रहा है। इसको अगर हम टिकर टेप पे लेके आते हैं ना दोस्तों ओवर यूज के अंडर, तो देखिएगा इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर स्टॉक फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो वॉरेन बफेट के रूल के हिसाब से फिलहाल स्टॉक थोड़ा महंगा है, बट अगर ये ग्रो करेगा तो ये स्टॉक कल सस्ता भी लगने लगेगा। थोड़ा रिस्क हमेशा लेना चाहिए। रिटर्न देखिएगा दोस्तों एफडी से बेटर है, डिविडेंड ऐसे स्टॉक में देखने नहीं चाहिए। एंट्री पॉइंट काफी अच्छा है, कोई फ्लैग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्टर भी 41 का है और स्टॉक भी 36 का है दोस्तों। एनालिस्ट की बात करें तो 82% एनालिस्ट आपको बोल रहे हैं आपको स्टॉक में खरीदना चाहिए। 38 एनालिस्ट है दोस्तों, जिसमें से 82% आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं। फाइनेंस की बात करें तो रेवेन्यू यहां पर कम है, 3.353% है, जबकि इंडस्ट्री का 7 पॉइंट है। नेट ग्रोथ की बात करें तो माइनस में फिलहाल ट्रेड हो रहा है, जबकि बाकी की कंपनी जो है वो 4% से नेट इनकम कर रही है। मार्केट 9% से लेकर 7% का हो चुका है। वही डेट की बात करें तो इनके ऊपर 29% का डेट है, वही इंडस्ट्री के ऊपर 45% का एवरेज निकल करके आता है। करंट रेशियो 163 का है, वही एवरेज इंडस्ट्री का 162 का है। कैश में अगर देखेंगे दोस्तों तो -26 करोड़ का कैश यहां पर चेंज हुआ है। फ्री कैश फ्लो इनके पास देखिएगा तो 2372 करोड़ का कैश है, यानी कंपनी के पास काफी अच्छा कैश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा प्रमोटर होल्डिंग 26 बिल्कुल स्टेबल। म्यूचुअल फंड ने दबाकर यहाँ पर माल उठाया हुआ है, वही DII ने यहाँ पर माल कम किया हुआ अच्छा खासा। यहाँ पर हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं तो उनका लगभग स्टेबल दिखाई देता है। और रिटेलर देखिएगा दोस्तों, रिटेलर बिल्कुल स्टेबल दिखाई देते हैं यहाँ पर, तो माल काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर उठाया जा चुका है। वही अगर चार्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है और बाइंग की दो अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पर देने वाला हूँ आज। देखिएगा प्राइस जो है थोड़ा वीक हो रहा है, MACD की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस कर चुकी है हल्की सी, यानी आने वाले समय में यहाँ पर ग्रोथ वॉल्यूम में दिखाई दे सकता है। बाइंग करनी है दोस्तों जो थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए, 4,235 के आसपास का बाइंग जो है वो उनके लिए बाइंग रहेगा। थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा स्टॉक को और वीक होने देंगे। उनके लिए स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 3,900 के आसपास का, यानी लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास का इनको मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। 300 पॉइंट का इनका रिस्क होगा। और इनके लिए गेन जो है दोस्तों 5,600, यानी बहुत ही बढ़िया गेन होगा, लगभग 800 और 600, यानी 1,400 पॉइंट का ग्रोथ ये यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो मेरे भाई हैं वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं या फिर थोड़ा कम और कम रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा वेट करना चाहते हैं, थोड़ा मोमेंटम आने देना चाहते हैं फिर वो एंटर करेंगे, तो उनके लिए वो लेवल है दोस्तों 4,750 के आसपास का। अगर ये स्टॉक यहाँ पर क्लाइम कर जाता है तो एक सेफ्टी लेवल पर ये आ जाएगा, तो आप यहाँ से उसको बाय कर सकते हो। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 4,260 के आसपास का, और आपका टारगेट वही होगा 5,500 के आसपास का। तो दो लेवल दिए मैंने जो थोड़ा रिस्क लेकर के बाय कर सकते हैं, वो 4,200 के आसपास के बाय कर सकते हैं। जो थोड़ा स्टेबल बाय करना चाहते हैं वो 4,700-800 के आसपास बाय कर सकते हैं। टारगेट वही रहेगा 5,500 के आसपास का। स्टॉप लॉस जो 4,200 के ऊपर बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस होगा 3,900 के आसपास का। जो 4,700-800 के आसपास बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस होगा 4,200 के आसपास का। तो एक लगभग आइडिया पकड़ के चले तो 1,500 से लेकर 2,000 तक का पर स्टॉक के ऊपर हम लोग यहाँ पर कमा सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए बाय करना है दोस्तों, लगभग 6 महीने 1 साल के आसपास के लिए बाय करना है स्टॉक को, और ये बहुत बेहतरीन बाइंग हो सकता है आपका। शायद ये 3 महीने में रिकवर कर जाए, जैसे ही कोई न्यूज बम्पअप हो जाए शेयर इमीडिएटली जो है रिकवर हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप ये 6 महीने लगाएगा रिकवर होने में, पर बेहतरीन स्टॉक है, टेंशन फ्री आप पैसा डाल सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन
इंस्टाग्राम, जिस भी सोशल हैंडल से आप कनेक्टेड हो, बिल्कुल दोस्तों कनेक्ट हो जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो है वो बेल को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।